आज पानी में थोड़ी ज्यादा ही गंदगी आई है, पर पानी आया तो सही, 5-6 बार उबालने के बाद पीने लायक हो ही जाएगा। अरे पानी मिल गया आज? हाँ, जो ऑफिस से आधी छुट्टी ले ली, लाइन बहुत लंबी थी। आज नल में भी पानी आया था, मुझसे जितना हो सका मैंने भर लिया, उबल रहा है। ये तो सही है, फिर मैं इसे संभाल के साइड में रख देता हूँ, जब हाँ। जरूरत पड़ेगी तभी यूज में लेंगे। हाँ। वैसे भी आधी कमाई तो पानी खरीदने में निकल जाती है, बची कुछ ही छुट्टियां पानी की लाइन में लगने में। हाँ ये तो है। नल में पानी आता तो है, पर ना ही काफी होता है और ना ही पीने लायक। जितना थोड़ा बहुत आता है उबाल के काम चला रहते हैं, कर भी क्या सकते हैं, जब जमीन के नीचे पानी है ही नहीं तो कोई कहां से सप्लाई करेगा। चलो मैं बर्तन धो लेता हूं। रोज सुबह उठता हूं और प्रे करता हूं कि आज पानी खत्म ना हो जाए। दिन तो नजदीकी है, पानी कभी भी खत्म हो सकता है, बस आज ना हो। ना ढंग से खाना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना बर्तन धो सकते हैं। जब पानी था तब कदर की नहीं, तब फैक्ट्रियां लगानी थी, पैसे कमाने थे। अब पैसों से पी लो पानी, पैसे ही पी लो, पैसों से खा लो खाना, पैसों से धो लो बर्तन। तीन हफ्ते बाद पानी आया है इस नल में। 10 साल पहले सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा। सुना करते थे कभी कभार कि नदियां सूख रही हैं, पर इतनी बड़ी नदियां, इतना सारा पानी कैसे खत्म हो सकता है? पानी तो हमेशा से था ना, और कौन सा हम खुद नदियों में जाकर पानी लेकर आते थे। इतना पानी होता था कि मुंबई में बाढ़ आ जाती थी, संभाले नहीं संभलता था पानी लोगों से। और अब देखो, कौन कह सकता था कि पानी भी कभी खत्म हो जाएगा। आज सरकार ने नर्मदा गोदावरी के बाद कावेरी नदी को भी लुप्त घोषित कर दिया है। तमाम कोशिशों के बावजूद पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई दी। ये सूखा रास्ता जहां इस वक्त कुछ भी नहीं है, आज से 20 साल पहले यहां कल कल करती तेज बहाव के साथ कावेरी नदी बहा करती थी। पानी लो, अब ये देखो, कल फॉरेस्ट मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, आज वाटर मिनिस्टर भी दे देगा। ये सही है इनका, जब जरूरत है तब तक सब गंदगी मचाओ और फिर इस्तीफा दे दो। पानी का क्या? अरे पानी पे सिर्फ सरकार का हक है क्या? मानो भगवान ने पानी सिर्फ अमीर लोग और सरकार के लिए बनाया हो। कोई टाइम था जब बिस्लरी की बोतल 5 रुपए में मिलती थी, फिर 10 हुई, फिर 20 हुई, मगर 2000 कभी नहीं सोचा था। 2000 भी तब जब पानी मिल जाए। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे हैं तो पानी मिल ही जाएगा। महीने का 30 से 40 हजार रुपया सिर्फ पानी खरीदने में जाता है, पानी का प्राइवेटाइजेशन। हम इंसानों का बस चले तो ऑक्सीजन का भी प्राइवेटाइजेशन कर डाले। चाइना ने तो कर ही दिया था बहुत पहले। काश काश कुछ कर लिया होता, थोड़ा दिमाग से काम ले लिया होता तो शायद ये दिन नहीं आता। ये नदियां, ये खूबसूरत नदियां, साफ पानी, सब हिस्ट्री है। ये सब बस तस्वीर बनाकर दीवार पे लटकाने के लिए है। हाँ अब यही देख लो, ये नर्मदा आज से 10 साल पहले, देखिए ढंग से कितना सारा पानी है, और अब सब पानी सूख चुका।
आज जिन देशों के पास पानी है वो हमें पानी बेच के पैसा कमा रहे हैं। हमारी प्यास एक्चुअली इन देशों की दया से बुझ रही है। किसी दिन इन देशों में पानी कम हुआ तब हम करेंगे क्या? बिना पानी के तो किसी देश से लड़ भी नहीं सकते। तुम्हें सही में लगता है कि पानी के लिए देश लड़ सकते हैं? बिल्कुल लगता है। पता तो तभी चल गया था जब हमारे स्टेट्स तमिलनाडु और कर्नाटका कावेरी नदी के चक्कर में लड़ रहे थे, और फिर 2016 में इंडिया ने पाकिस्तान को धमकी दी कि इंडस वैली ट्रीटी को रिवोक कर देंगे। तो झगड़ा तो चल ही रहा था पानी को लेके, पर वो अलग बात है कि अब हमारे खुद के देश में ही पानी नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने या शायद हमने पानी की वैल्यू समझी होती, थोड़े पेड़ लगाए होते, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं किया होता, तो शायद सिचुएशन आज फार बेटर होती। काश कुछ कर लिया होता, पॉल्यूशन कंट्रोल किया होता, वाटर क्राइसिस को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी होती, जब टाइम था कुछ कर लिया होता। काश कुछ कर लिया होता।